हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब चंगा होगा जी। वैसे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें राह चलते लड़की से प्यार हो जाता होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो उनकी हल्की सी मुस्कुराहट भर से फैमिली प्लानिंग तक के सपने सजा लेते होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बस कुछ इसी तरह के पल भर की ऐसी आशिकी भी आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की हमारी शैटर्ड नाम की मूवी है। तो बस दिल थाम कर बैठ जाइए हॉलीवुड की इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, जैसा कि पिक्चर का एक हीरो होता है, कुछ वैसे ही हमारी इस मूवी का हीरो क्रिस डेकर है, जो कि एक मल्टी मिलियनेयर होता है। क्रिस के पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ इन खुशियों को शेयर करने वाले उसके किसी अपने की। क्योंकि दोस्तों, क्रिस के वर्कोहोलिक नेचर के चलते उसकी पत्नी जेमी उसे छोड़ के चली गई थी और अपनी बेटी विलो को भी वो ले गई थी, जिसे क्रिस जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ऐसे में एक रात जब वो आइसक्रीम लेने नजदीकी शॉप में जाता है और जब वो आइसक्रीम खरीद रहा होता है, तो उसकी नजर एक अप्सरा जैसी लड़की पर पड़ती है, जिसे देख क्रिस वहीं उसका कायल हो जाता है। ये लड़की बारिश में भीगी हुई थी और शॉप में वाइन खरीदने के लिए घर से निकली थी। पर दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है और वो क्रिस से किसी अच्छी सी वाइन खरीदने में मदद मांगती है। अब दोस्तों, ऐसे में हमारे ये भाई साहब कैसे पीछे रहते? लड़की ने आखिर खुद जो मौका दिया था। दोनों में काफी बातें होती हैं और इसी दौरान पता चलता है कि लड़की का नाम स्काई है, जो पास ही के एक रोड साइड मोटल में रहती है। दोस्तों, बात सिर्फ इतने में खत्म नहीं होती। क्रिस स्काई की खूबसूरती के आगे इतना पिघल जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना चाहकर भी उसे एक घर ड्रॉप करने का ऑफर दे देता है। भला इतने स्मार्ट और पैसे वाले बंदे को मना भी कौन करेगा? स्काई फौरन मान गई और कुछ ही देर की ड्राइव के बाद वो मोटल पहुंच गए, जहां उसे पता चलता है कि ये बेचारी लड़की स्काई तो बेघर है, क्योंकि उसकी रूममेट लीसा के साथ उसकी लड़ाई जो हो रखी है। ये सुनते ही क्रिस स्काई को एक रात के लिए अपने घर पर ऑफर करता या देर नहीं लगाता। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो इसी मौके की तलाश में था। स्काई सेकंड्स में हां कर देती और वो क्रिस के आलीशान घर में जा पहुंचती है, जिसे देख के उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। शानदार घर को लालच भरी नजरों से देखकर बड़ी ही उत्सुकता से स्काई क्रिस से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है। तो उसे पता चलता है कि क्रिस एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसके एक डिजाइन ने उसे आज करोड़पति बना दिया और अब वो घर बैठे बस लाइफ एंजॉय करता है। ये सब सुनकर स्काई एक साधारण लड़की की तरह क्रिस की तरक्की पर फिदा हो जाती है और दोनों के बीच कुछ पर्सनल बातें होने लगती है, जिसके बाद वो एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि फिर रोके से नहीं रुक सकते। सुबह जब क्रिस की आंखें खुलती हैं तो उसे स्काई नजर नहीं आती, जो कि सुबह होते ही अपने मोटल चली जाती है, जहां पर हमें इस मूवी का पहला ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों, स्काई और लीजा के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि लीजा तो स्काई को बेहद प्यार करती थी और उसके बिना एक पल भी रहना उसे गवारा नहीं था। मगर स्काई के दिमाग में तो कुछ और ही ऊटपटांग चल रहा था। उस जिंदगी ऐसे 4x10 के कमरे में गुजारने के लिए नहीं बनी थी। उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना था, जिसके आगे लीजा तो महज एक मोहरा थी। शाम होते ही शराब और शबाब की लत क्रिस को उसी बार में खींच लाई, जहां स्काई वेट्रेस का काम करती थी। दोनों की दोबारा मुलाकात होती है और एक बार फिर क्रिस उसके प्यार में डूब जाता है। कई समय तक नाइट एंजॉय करने के बाद क्रिस स्काई को फिर से अपने घर ले जाने लगता है, मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही क्रिस को चोर नजर आता है, जो शायद उसकी गाड़ी चुराना चाहता था। स्वभाव का बिल्कुल सीधा क्रिस उस व्यक्ति से मारपीट ना करके बस गाड़ी से दूर रहने को कहता है, मगर तभी ना जाने क्यों वो चोर बिना किसी वजह से क्रिस के पैर में जोरदार वार करके भाग निकलता है और बेचारे क्रिस का पैर टूट जाता है। मूवी को घंटों से ज्यादा समय दे चुके दर्शकों को अब ये बात तो समझ आ जाती है कि क्रिस के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। लेकिन ये कौन कर रहा है और क्यों? इसका जवाब तो उन्हें और आपको मूवी के एंड में ही मिलेगा। अगले दिन क्रिस के पैर में प्लास्टर चढ़ा होता है और स्काई उसे व्हीलचेयर से घर के अंदर आने में मदद करती है, जिसके बाद स्काई अपनी अदाओं से क्रिस को बहला फुसलाकर बतौर प्राइवेट नर्स उसके साथ रहने के लिए मना लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, या फिर यूं कहें क्रिस स्काई से प्यार करने लगता था, यहां तक कि अब उसे अपनी बेटी और अपनी बीवी की भी कोई चिंता नहीं थी। और तो और, उसने स्काई को अपने घर के सारे टॉप सिक्योरिटी कोड तक बता डाले, ताकि उसे जब मन करे तब वो वहाँ आ सके। वेल दोस्तों, यहाँ ये कहानी बड़ी तेजी से भाग रही थी, बिल्कुल किसी बुलेट ट्रेन की तरह, और शायद इसका ड्राइवर खुद क्रिस था, जिसने पक्का अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी हुई है। यहाँ अब स्काई बड़ी ही होशियारी से लीजा के पास जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग सिर्फ रूममेट नहीं बल्कि लवर्स भी थे। उल्टा लीजा तो स्काई से बेहद प्यार करती थी, मगर वो सिर्फ उसका फायदा उठा रही थी। वेल स्काई के मोटल से जाने के बाद मकान मालिक रोनाल्ड अपना किराया लेने लीजा के रूम में पहुंचता है, जहां लीजा की लाश को देखकर उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसे आत्महत्या करा दिया जाता है। मगर यहां एक चौंका देने वाली बात सामने आती है और हमें पता चलता है कि पुलिस के अब तक के रिकॉर्ड में स्काई नाम की कोई लड़की है ही नहीं। यानी कि दोस्तों, जिस लड़की को अभी तक हम स्काई समझ रहे थे, वो तो कोई और ही है, जो अपनी आइडेंटिटी बदल कर क्रिस के साथ रह रही है। और वो उसके साथ क्या करने वाली है, इस बात से खुद क्रिस भी अनजान था। यहां स्काई अब अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी थी। वो
क्रिस के सोने के बाद फेस लॉक ऑन करके उसका फोन चेक करने लगी थी, उसकी सारी डिटेल नोटिस कर रही थी। वेल, ये सब ज्यादा दिन चल ना सका और एक सुबह क्रिस की नींद टूटने पर उसे ना अपना फोन दिखाई दिया और ना ही स्काई। क्रिस हैरान था कि उसके सारे डिवाइस लॉक आउट हो चुके थे, बस टीवी और सिक्योरिटी सिस्टम को छोड़कर। और तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ लीजा की मर्डर मिस्ट्री टेलीकास्ट हो रही थी। क्रिस काफी घबरा जाता है और तभी स्काई वहाँ पहुँच जाती है, जो कि खाने का कुछ सामान लेने मार्केट गई थी और क्रिस का फोन भी उसी के पास था। क्रिस स्काई से लीजा की मौत के बारे में बताता है, मगर उसे ये सुनकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जब वो क्रिस को लीजा के मर्डर के पीछे खुद का हाथ होने की बात कहती है तो क्रिस की शक्ल के 12 बज चुके होते हैं। वो समझ जाता है कि हो ना हो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी गलती क्रिस वहाँ से भागने की करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जिस लड़की पर वो फिदा था उसने उसका फोन चुरा कर घर के सारे सिक्योरिटी सिस्टम अपने हाथों में ले लिए थे। आखिर वो जाता तो कहाँ जाता। क्रिस अब स्काई के चंगुल में बुरी तरह फंस चुका था और जिस लड़की के साथ वो जीने मरने की कस्मों में बनने की सोच रहा था वो तो उसे अब रस्सी से बांध चुकी थी। स्काई अब क्रिस से उसकी बैंक डिटेल मांगती है, जिसके ना मिलने पर वो उसे दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करती है, यहाँ तक कि ड्रिल मशीन के जरिए उसके टूटे हुए पैर में छेद कर देती है। स्काई के प्यार में घायल क्रिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसे इस तरह जख्मी कर देगी, और अपनी जान बचाने के लिए क्रिस ने स्काई को अपनी बैंक डिटेल दे दी, जिसको पाकर उसकी लुटेरी माशुका ने मिनटों में क्रिस का सारा अकाउंट जीरो बैलेंस वाले जनधन योजना में कन्वर्ट कर दिया। क्रिस अब अपने ही घर में बंदी बन चुका था। उधर दूसरी तरफ जब मोटेल का मालिक रोनाल्ड सफाई करने के लिए लीजा के रूम में घुसा है तो उसे वहाँ एक टेलीस्कोप नजर आता है, जिसकी डायरेक्शन शहर के पॉश इलाके में बने घरों की तरफ थी। टेलीस्कोप में झांकने पर उसे जो नजर आता है उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, उसके सामने क्रिस का घर दिखाई देता है जहाँ लापता स्काई मौजूद थी और वो बेहद डिफरेंट तरीके से वहाँ रह रही थी। रोनाल्ड को झट से दाल में कुछ काला होने का अंदेशा हो जाता है और वो उसी टेलीस्कोप से स्काई को मॉनिटर करने लगता है। इधर स्काई क्रिस के घर पर व्यक्ति को बुलाती है जो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जिसने कुछ दिन पहले क्रिस की टांग तोड़ी थी, यानी कि दोस्तों ये आदमी पहले से स्काई को जानता था और आज क्रिस के घर में लगे एक एक एंटिक सामान को ले जाने के लिए आया था ताकि वो दोनों मिलकर उसे बेच सके। स्काई का टॉर्चर दिन ब दिन क्रिस के ऊपर बढ़ता जा रहा था। वो अब सब उसके स्टॉक्स के साथ उसकी कंपनी तक बेच कर हजम करना चाहती थी। ऐसे में कई बार भागने के चक्कर में क्रिस जख्मी भी हो जाता है, जिसका कारण और कोई नहीं बल्कि उसी की अप्सरा स्काई होती है। अब स्काई क्रिस के घर का सारा सामान ब्लैक मार्केट में बेचने निकल जाती है, तभी खिड़की का कांच तोड़कर रोनाल्ड वहां एंट्री मारता है और क्रिस को वहां बंधा पाता है। परंतु लालच से भरे रोनाल्ड को क्रिस पर तरस नहीं आता, बल्कि ये भाई साहब तो स्काई से एक हाथ आगे निकले हैं। क्रिस को छुड़ाने के लिए उसकी कीमत लगाते हैं। वेल, इनकी डील हो ही पाती है कि उससे पहले स्काई वहां पहुंच जाती है और घर में लगे कैमरे के सहारे रोनाल्ड को ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। इस बीच क्रिस घर से भागने में कामयाब होता है, मगर रास्ते में उसे मदद करने के लिए जो शख्स मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि स्काई का स्टेप फादर सेबेस्टियन होता है, जो क्रिस को वापस लाकर वहीं उसे घर में छोड़ देता है। अब ये दोनों बाप बेटी मिलकर क्रिस का अंगूठा काट डालते हैं ताकि वो उसके $14 मिलियन के बॉन्ड को हथिया सकें। अगले दिन क्रिस की वाइफ जेमी और बेटी विलो उससे मिलने आते हैं, जहां पर स्काई उन्हें भी बंदी बना लेती है। उधर सेबेस्टियन और स्काई क्रिस का लॉकर खोलने के लिए बैंक पहुंच जाते हैं, जहां चालाक सेबेस्टियन हाथों में पट्टी बांधकर क्रिस का अंगूठा लगाकर लॉकर खोलने में कामयाब हो जाता है, मगर उनके हाथ क्रिस के ठेंगे के सिवाय कुछ नहीं लगता। अपने घर की रग रग से वाकिफ क्रिस बेटी विलो को एक अनोखे रास्ते से घर के बाहर भेजकर दरवाजा खोलने को बोलता है। वेल, ये सब करने में कामयाब भी हो जाती है, मगर स्काई कैमरे में से सब कुछ देखकर फटाक से आ पहुंचती है। ऐसे में दोनों बाप बेटी और क्रिस के बीच एक खतरनाक होती है, जहाँ कुछ ऐसे हो जाता है जिसकी शायद कोई उम्मीद नहीं करता। दरअसल दोस्तों, इस दौरान सेबेस्टियन स्काई को गाली दे देता है, जिसे सुन वो अपने बाप को ही गोलियों से भून डालती है। मौका पाकर जेमी और क्रिस स्काई पर टूट पड़ते हैं, मगर वो फिर भी दोनों पर भारी पड़ती है और जैसे ही स्काई उन दोनों को खत्म करने के लिए उठती है उतने में गोली की एक दर्दनाक आवाज सुनाई देती है, जो किसी और को नहीं बल्कि स्काई को लगी थी और इसे चलाया था खुद क्रिस की बेटी विलो ने। आखिरकार वहां हमेशा की तरह देर से पहुंचने वाली पुलिस आ जाती है और सबकी जान बच जाती है। मरते मरते स्काई क्रिस को अपना असली नाम बताती है, जो कि मार्गरेट होता है, और देर से ही सही लेकिन हुस्न की इस मलिका को उसके किए की सजा मिल ही जाती है। दोस्तों, इस पिक्चर का यही एंड होता है और जाते जाते क्रिस के अलावा मिनटों में खूबसूरती पर कायल होने वाले सभी लोगों को एक सबक देता है ये मूवी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।